हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का चंदा निटिंग चैनल में स्वागत करती हूं। आज फ्रेंड्स फिर से आपके लिए न्यू डिज़ाइन लेके आई हूं। ये बनाने में बहुत इजी है, लगता बहुत सुंदर है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप 17 के मल्टीपल में फंदे लीजिए, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा, आपका डिज़ाइन एकदम सही आएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। बनाने में एकदम ईजी है, बिगनर भी आराम से बना सकते हैं, कुछ नहीं है। बॉर्डर की तरह एक उल्टा एक सीधा करके ही हमको इसको बनाना होता है। लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, आप इसको लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में बन के बहुत ही अच्छा लगता है। गर्ल्स टॉप में डालिए, सभी में एकदम उभर के आने वाला डिज़ाइन है। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दे ले रखे हैं, अब मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाऊँगी। पहला फंदा हम उतार लेंगे, यहाँ से एक फंदा उल्टा बनाएंगे और चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने सीधे बनाए। धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक और ये दो, फिर सेम रिपीट, चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये दस, यहाँ तक हमारी ये देखिए दो चार छः आठ और ये दस हो गए, एक उल्टा एक सीधा। फिर हम यहाँ पे फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, चार सीधे बना दिए। फिर हम फिर सेम रिपीट, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, जैसे हमने इस साइड में रखा था उसी तरह इस साइड भी दो उल्टे बना के फिर चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और ये तीन ये चार और लास्ट में उल्टा। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है, सेकंड रो है बैक साइड से। अब इस साइड हमको फ्रेंड जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी तरह बनाना है। ये पहला फंदा उतार लिया, ये फंदा हम उल्टा बना लेंगे, यहाँ से ये चार फंदे हम जो हमने सीधे बनाए थे बैक से उल्टे बनाएंगे, फिर बीच में दो फंदे हमने जो गैप के लिए उल्टे बनाए थे उनको सीधा बनाएंगे, फिर चार फंदे उल्टे, और फिर से हमने एक उल्टा एक सीधा करके बनाने हैं। यहाँ से 11 फंदे हम एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक उल्टा सीधा इसी तरह बना लेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ तक हमने ये चार फंदे उल्टे बना लेने हैं, फिर ये बीच में दो गैप के फंदे थे उनको सीधा बना लेंगे, फिर से इस साइड के चार फंदे उल्टे। और ये फंदा सीधा बनाएंगे, इस तरह सेकंड रो कंप्लीट। देखिए फ्रेंड ये थर्ड रो है, सीधी साइड से पहला फंदा उतार के फिर ये फंदा हम उल्टा बना देंगे, धागा पीछे करेंगे, ये पीछे के फंदे दो हमने पीछे से सिलाई डालेंगे इसमें उतार लेंगे और ये आगे के फंदे इस तरह पीछे ले जाना है, इनको इस तरह बना देंगे, पहले पीछे के फंदे बनाएंगे फिर ये आगे के फंदे।
इस तरह हमें इसको मोड़ना है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे जो गैप के बीच में दे रखे हमने, ये दोनों सेम ही मोड़ हैं, इसमें भी हमने सेम करना है। पीछे से सिलाई डालेंगे, पीछे के ये दो फंदों को, ये आगे के फंदे पीछे ले जाएंगे और पीछे के ये इनको पहले बना लेंगे। ये इस तरह एक ही साइड को पलटना है हमको इसको। फिर यहाँ से हमने फिर सेम रिपीट करते हुए इसको नीचे से ऐसे नहीं बनाएंगे हम, इसको नीचे ये जो इसका होल दिख रहा है इसमें सिलाई डाल के इसको इस तरह बनाएंगे। सीधा फंदा हमने इस तरह बनाना है और उल्टा फंदा जैसे उल्टा फंदा बनाते हैं वैसे सीधा फंदा को हमने ये देखिए यहाँ नीचे इसमें इस तरह डाल के इसको बनाएंगे सीधा। ये एक उल्टा एक सीधा वाले फंदे को हमने यहाँ पे इस तरह नीचे से सिलाई डालेंगे और इसको बुन देंगे और उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा करके ये हमने इस तरह बनाना है। ये उल्टा और ये सीधा, सॉरी फ्रेंड यहीं तक हमने इसको बनाना था, ये लास्ट है। यहाँ से हमने फिर यहाँ तक हमारे ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11वां फंदा है, यहाँ तक हो गया। अब फिर इनको भी सेम पलटना है हमने, जैसे पलटने वाला उधर हमने इसको मोड़ बनाया था इस तरह कि पीछे के फंदे हमने आगे ले जाने हैं और आगे के फंदे पीछे, इसको पीछे ला के इस तरह बना लेंगे। अब यहाँ पे दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे जो गैप के हैं, और फिर सेम रिपीट इस साइड भी वैसे करेंगे। ये दो फंदे जो हमने पहले चार चार फंदे सीधे सीधे बनाए थे उनको अभी हम मोड़ रहे हैं। बहुत सुंदर डिजाइन है फ्रेंड, आप इसको लेडीज़ जेंट्स बच्चों के स्वेटर गर्ल्स टॉप सभी में डाल सकते हैं। ये दो फंदे सीधे ये इस तरह और लास्ट में ये फंदा इस तरह बना देंगे। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट होगी। फोर्थ रो है बैक साइड, जो फंदा जैसे दिखेगा वैसे बनाना है हमने, जैसे हमने पहले बनाया था। पहले बार में हमने डिजाइन डाल लिया तो हमारा पता चल जाएगा, जो मोड़ रखे हैं वो वाले फंदे हमने सारे उल्टे ही बनाने हैं, जो आगे के पीछे किए जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाना है, जो सीधे हैं उनको सीधा बनाएंगे। ये अपने आप ही हमने पहले डाल दिया डिजाइन, दिखने लग गया हमारे इस जो सीधे दिख रहे हैं सीधा। मैं इसी तरह बैक सिलाई बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये पहला फंदा उतार लेंगे, अब इस बार हम इसमें वही मोड़, ये पाँचवीं सिलाई है, इनको सिंपल ही बनाएंगे, चार फंदे सीधे 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 बनाएंगे और दो फंदे ये गैप के हैं इनको उल्टा बनाएंगे। और ये चार फंदे फिर सीधे बनाएंगे। फिर यहाँ से सेम रिपीट जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह इनको हम यहाँ नीचे डाल के सीधा वाला फंदा को इस तरह बनाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, सीधा फंदा नीचे इस नीचे वाले में डाल के और उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। और इसी तरह ये 10-11 फंदे हम बना लेंगे। ये लास्ट ये उल्टा फंदा है उल्टा, फिर ये चार फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे इसको, फिर बीच में दो फंदे गैप के हैं इनको उल्टा बनाएंगे और ये चार फंदे सीधे। दो फंदे उल्टे, इस तरह हमारी ये पांचवी सिलाई कंप्लीट होगी। और ये छठी सिलाई है बैक साइड से, जो फंदा जैसे दिखेगा वैसी तरह मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड, इसमें सिक्स रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये सेवन्थ रो है सीधी साइड से, एक ये उल्टा, फिर सेम रिपीट जैसे हमने पहले किया था, पीछे के ये दो फंदों में पीछे से इस तरह सिलाई डालेंगे और ये दो फंदों को आगे से इस तरह पीछे ले जाएंगे।
एक हर बार हमने एक ही साइड को पलटना है ये, फिर ये फंदों को बना देंगे, जो पीछे लाए उनको पहले बनाएंगे। इस तरह हमारा ये एक ही साइड को लट जाएगा। अब हमने यहाँ से डिजाइन बनेगा हमारा, ये फंदा उल्टा बनाया और यहाँ से जाली डालते हुए ये फंदा उल्टा बना देंगे। फिर सेम रिपीट करेंगे इस साइड भी, ये दो फंदों में पीछे से सिलाई डालेंगे और ये फंदा इस तरह बना लेंगे। दो फंदे सीधे, ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। यहाँ पे फंदा बढ़ाया है जाली से, अब हम ये जो हमारे एक उल्टे एक सीधे फंदे हैं इनको घटाना शुरू करेंगे। तो पहला हमारा ये उल्टा फंदा है, तो ये एक उल्टा इस तरह घटा देंगे हम इसको। फिर यहाँ से एक उल्टा और सीधा फंदा सेम नीचे से डाल के, ये एक उल्टा और ये सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, फिर ये एक उल्टा। अब फिर सेम रिपीट इस साइड भी उसी तरह। ये पलट देंगे ये फंदों, और ये दो दो करके बने फंदों को फिर से हमने इसी तरह बनाना है। फिर ये यहाँ पे दो फंदे उल्टे। अगर फ्रेंड्स आप किसी प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं तो आपने यहाँ से ये डिजाइन के बाद फिर से आप ये एक उल्टा एक सीधा करके ये वाला डिजाइन आपका फिर इस साइड आ जाएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बना के दिखा रही हूँ। ये फिर एक उल्टा, ये दो चार फंदे हम सीधे सीधे इस तरह बना देंगे। लास्ट में दो फंदे उल्टे। इस तरह हमारी ये सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड से जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी तरह बनाना है। मैं बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, एट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। नाइन्थ रो है सीधी साइड से, पहला फंदा उतार के ये फंदा उल्टा बनाएंगे। इस बार हमने ये फंदे सिंपली इसी तरह बनाने हैं। ये चार फंदे एक 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 सिलाई में हम इनको मोड़ते हैं, एक सिलाई में ये फंदा उल्टा बनाएंगे और ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ पे जाली डाल देंगे। फिर ये फंदा उल्टा और ये फंदे सीधे बनाएंगे, चार फंदे सीधे सीधे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब हमने ये फंदा घटाना है, तो इसको इस तरह सीधा करेंगे। तो ये उल्टा फंदा है इस साइड, तो हम इसको उल्टा फंदे के साथ इस तरह घटा देंगे। और सीधा फंदा सेम रिपीट उसी तरह बनाना है जैसे हम पहले बना रहे थे। ये फंदा सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, फिर ये उल्टा, यहाँ से चार फंदे सीधे, फिर ये दो फंदे उल्टे, फिर ये चार फंदे सीधे, लास्ट में दो फंदे उल्टे। सिंपल डिजाइन है फ्रेंड, लगता बहुत सुंदर है, ये एकदम उभर के आने वाला डिजाइन है, बहुत ही प्यारा लगता है। अब ये टेंथ रो है बैक साइड, जो ऐसे दिखेगा उसी तरह मैं बना। देखिए फ्रेंड, इलेवेंथ रो है सीधी साइड से, ये एक फंदा ये उल्टा बना दिया। अब ये इस बार फिर से हमारा ये उल्टेगा,
दो पीछे के फंदे उतार के इस तरह आगे ले आएंगे और आगे का फंदे पीछे। और ये इस तरह हमने बना दिया। अब यहाँ से ये फंदा उल्टा बनाएंगे। अब हाँ फ्रेंड्स, जो हमने ये डिज़ाइन यहाँ हमारे एक उल्टा एक सीधा था, अभी हमने जो ये हम जाली से पढ़ा रहे इनको भी एक उल्टा एक सीधा करते जाना है। तो ये फंदा हमारा सीधा है तो इसको उल्टा बनाएंगे, उल्टे के साथ जाली पड़ेगी, जाली डालते हुए ये फंदा उल्टा हो गया और इसको इस तरह जैसे हम इस साइड बना रहे थे उसी तरह यहाँ भी बनाएंगे। अब ये दो फंदे पीछे के इस तरह, ये दो फंदे चार फंदे हम इस तरह बनाएंगे। अब यहाँ हमने फंदा कटाना है ये सीधे फंदे के साथ, तो इस तरह दो का एक कर देंगे। अब यहाँ उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे और सीधा फंदा सेम नीचे की होल में डालेंगे और सीधा बुन देंगे, एक उल्टा और ये एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर ये एक सीधा, फिर एक ये उल्टा बनाएंगे, फिर सेम रिपीट बैक से सिलाई डालेंगे पीछे के दो फंदे पीछे की सिलाई में और आगे की सिलाई में दो फंदे उठा लेंगे। और ये इस तरह फिर ये चारों फंदों को सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पे दो फंदे गैप के हैं, इनको उल्टा बनाएंगे और ये दो फंदे सीधे। दो फंदे उल्टे इस तरह हमारी है लेंथ रो कंप्लीट होगी। 12 रो है बैक साइड, जो फंदा जैसे कि रखा है मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपको। 13 रो है सीधी साइड से, पहला फंदा हम उतार के ये फंदा उल्टा बना लेंगे और ये चार फंदे तो सीधे बनाएंगे। पिछले बार हमने मोड़ा था तो इस बार सिंपली सीधा बनाएंगे। और ये फंदा उल्टा, देखिए ये फंदा हमारा सीधा है ये उल्टा, तो फिर इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करके जाली डालते हुए, इसको उल्टा सीधा और ये उल्टा और इसको इस तरह सीधा बना देंगे। फिर ये फंदा उल्टा, फिर से सेम रिपीट चार फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने फंदा कटाना है तो ये फंदा इस तरह सीधा करेंगे, इधर का उल्टा फंदा और ये दो का एक कर देंगे। इसको उल्टा ही बना लेंगे, उल्टा फंदे के साथ कट रहा है तो ये फंदा हमारा सीधा है अगला, क्योंकि हमने एक उल्टा एक सीधा रखना है फंदा, तो इसलिए इसी तरह बनाएंगे। ये सीधा नीचे से फंदा डालेंगे और ये उल्टा, फिर सेम रिपीट ये उल्टा, फिर ये चार फंदे हम सिंपली सीधा सीधा इसी तरह बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे, हर बार की तरह बीच में गैप के फंदे हैं और ये चार फंदे सीधे। दो फंदे उल्टे लास्ट इस तरह हमारी ये 13 रो कंप्लीट होगी। रो 14 है बैक साइड से, जो फंदा जैसे दिख रहा है इसी तरह मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको सीधी सिलाई। रो 15 है सीधी साइड से, पहला फंदा उतारेंगे। अब इस बार फिर से हमारा ये पलटने वाला आ गया सेम उसी तरह से, ये पीछे के फंदे आगे ला के इनको सीधा कर लेंगे।
ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब ये सीधा फंदा है, ये उल्टा है, तो यहाँ पे उल्टे फंदे के साथ जाली जाएगी और ये सीधा फंदा हम इस तरह नीचे से नीचे के होल में डाल के इसको बना लेंगे। फिर ये उल्टा बनाएंगे, फिर ये सीधा बनाएंगे, फिर ये उल्टा, अब फिर सेम रिपीट। ये चार फंदों को पलटने वाला हमारा डिजाइन आ गया। और यहाँ पे ये घटाने वाले में आ गए हम, ये फंदा हम सीधे के साथ घटा देंगे इस तरह, दो का एक कर देंगे, एक उल्टा और एक सीधा कर देंगे, घट जाएगा। फिर ये फंदा उल्टा बनाएंगे और ये सीधा, ये एक उल्टा और ये सीधा और ये उल्टा, फिर सेम रिपीट। ये चार फंदे हम आगे के पीछे करके इसी तरह बना लेंगे। दो फंदे उल्टे इस तरह हमारी है, ये 15 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब ये रो 16 है, बैक साइड से जो फंदा जैसे दिखेगा उसी तरह मैं बना ले। इसमें हमारी 16 रो कंप्लीट हो गई। ये रो 17 है सीधी साइड से, पहला फंदा उतार के एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे। फिर यहाँ पे एक फंदा पहले उल्टा बनाएंगे, फिर ये फंदा उल्टा है तो यहाँ पे उल्टे फंदे के साथ ही हम जाली डालेंगे। सॉरी फ्रेंड, ये सीधा है तो धागा अपनी तरफ रखेंगे, ये सीधा फंदे के साथ जाली डालेंगे। यहाँ से एक उल्टा और ये सीधे फंदे को इस तरह नीचे से होल में डालेंगे और सीधे ये उल्टा और ये सीधा और ये उल्टा। अब फिर सिंपल चार फंदे सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पे ये उल्टा फंदा है और ये सीधा फंदा, ये फंदे को इस तरह सीधा करके दो फंदों का एक कर देंगे उल्टे फंदे के साथ, और सीधा फंदा इस तरह नीचे से एक फंदा उल्टा और ये फंदा इस तरह सीधा, फिर ये फंदा उल्टा, ये सीधा, फिर ये चार फंदे सीधे। फिर सिंपली ये दो फंदे उल्टे चार फंदे सीधे बना लेती हूँ। फिर इसमें 18 रो हमारी कंप्लीट हो गई है, रो 19 है, ये फंदा उल्टा और फिर से हमने इस बार इसको पलटना है, तो ये दो फंदे पीछे के आगे और आगे के दो फंदे पीछे ले जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ये हमारा सीधा है, ये उल्टा है, तो उल्टा फंदे के साथ जाली डालेंगे और ये सीधा फंदा को इस तरह नीचे से सिलाई डाल के सीधा बना देंगे। फिर एक उल्टा, फिर ये एक सीधा, जाली से बड़े हुए फंदे हमने एक उल्टा एक सीधा करते जाना है। फिर ये एक उल्टा, ये एक सीधा, एक उल्टा, चार फंदे सीधे।
लिए दो फंदों का एक कर देंगे और ये फंदा उल्टा बना देंगे और ये फंदा सीधा, ये उल्टा। फिर सिंपल पहले की तरह सेम रिपीट करना है, आगे के फंदे पीछे, पीछे के फंदे आगे। इसी तरह मैं पूरा बना लेती हूँ इसको, बैक सिलाई भी फिर दिखाती हूँ। ये थोड़ी थोड़ी डिजाइन की शेप आने लगी, ये पूरा बना लिया है। बैक रो में पूरी बना के फिर दिखाती हूँ आपको। 20 रोज में कंप्लीट होगी, 21 रो है सीधी साइड से। ये उल्टा बनाएंगे, ये सिंपली चार फंदे इस बार हमारे सीधे सीधे बनेंगे। पहले बार हमने मोड़ रखा था, ये फंदा यहाँ से एक उल्टा, अब ये फंदा सीधा है, सीधे फंदे के साथ चली जाएगी। ये उल्टा और ये सीधा और नीचे से बनाना है। फिर ये उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे और सीधा फंदा सीधा, फिर ये उल्टा और ये सीधा फंदा नीचे से बनाएंगे, फिर ये उल्टा फंदा उल्टा और चार फंदे सीधे बनाएंगे। चार फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हमने यहाँ पे फंदा कटाना है, तो ये फंदा इस तरह सीधा करेंगे, ये उल्टे फंदे के साथ दो का एक कर देंगे, एक उल्टा एक सीधा। और फिर ये इसको नीचे से नीचे के उल में डाल के इसको सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पे उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, चार फंदे, ये चार फंदे सीधे बनाएंगे, ये दो उल्टे और ये चार सीधे। मैं ये बना लेती हूँ बैक सिलाई पूरी बना के फिर दिखा। थ्री है, ये दो फंदे, पहला फंदा उतार के एक फंदा उल्टा, फिर सेम रिपीट करना है बैक से सिलाई पीछे की दो फंदों में और आगे से, आगे से इनको इस तरह उतार लेंगे। ये फंदा उल्टा बना लेंगे, यहाँ पे ये फंदा उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है। ये फंदा नीचे से बनाएंगे इस तरह, ये एक उल्टा, ये एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर से चार फंदे उसी तरह बना लेंगे। फिर हमने ये उल्टा और सीधा फंदा दो का एक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड, हमारा उसी तरह हमारा डिजाइन आ गया, दो फंदे उल्टे आगे एक डिजाइन के बीच, फिर ये चार फंदे, दो फंदे उल्टे और ये चार फंदों को फिर से सेम रिपीट करना है, बैक से सिलाई डालेंगे। दो फंदे सीधे, चार फंदे सीधे हो गए, ये दो फंदे उल्टे बना देंगे। अब बैक सिलाई है 24 रो, जो फंदा जैसे दिखेगा उसी तरह मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड हमारे इसमें 24 रो में एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है, ये वाला इधर एक बन गया है और ये इधर। अब ये डिजाइन हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर। देखिए ये हमारे, देखिए इसमें जाली से मैं आपको एक बार
गिनके बता देती हूँ इसमें हमारे कितने फंदे हो रखे हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 9, 10, ये 11 टोटल। जैसे हमारे यहाँ पे 11 थे, यहाँ पे भी 11 ही हो गए हैं। उसी तरह जाली हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 जाली आई इसमें, और यही सही 10 तो भी। तो इतने हमारे फंदे बढ़ गए, क्योंकि हमारे एक ही साइड से सिंगल सिंगल जाली पड़ रही थी, तो एक एक फंदा हर सिलाई में बढ़ रहा था। तो अब हमने जैसे यहाँ से शुरू से डिजाइन शुरू किया था, अब उसी तरफ से फिर से होगा। देखिए कैसे ये 2 फंदे तो उल्टे बनाने हैं, ये 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर यहाँ से सेम ही करना है, 1 फंदा उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा करके हमने ये 11 फंदे बना लेने हैं। ये उल्टा और ये इस तरह सीधा, फिर ये उल्टा, 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। और फिर ये 2 फंदे हमारे बीच में गैप के उल्टे आ गए। अब यहाँ पे, यहाँ पे हम घटा रहे थे फंदे, अब यहाँ पे कोई फंदा घटेगा नहीं, सिंपली सारे फंदे हमने जो जैसा दिख रहा है उसी तरह बना लेना है। ये 4 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी ये 2 फंदे उल्टे और ये 4 फंदे सीधे, ये फंदे हम सीधे ही बना लेंगे। बैक साइड हमने सेम ही करना है फ्रेंड, जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी तरह हम बना लेंगे, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, इस तरह मैंने बैक सिलाई बना ली है। अब हमको सेम इसी तरह फ्रेंड जैसे हम बना रहे थे, ये इनको तो एक इस वाले को हमने एक बार पलटना है, एक बार नहीं पलटना है, 6 सिलाई हमने सेम ही बना लेनी है। जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी तरह, जैसे हमने पहले शुरू में भी इसी तरह बनाए थे, ये 4 फंदे हमने ऐसे बना लिए। अब यहाँ से हमने फिर सेम रिपीट करना है, ये सीधे फंदे को तो नीचे से होल में डाल के बनाना है, और उल्टा फंदा उल्टा बनाना है। सीधे फंदे इस तरह नीचे डाल के इनको सीधा बनाना है, और उल्टा फंदा उल्टा बनाना है। ये फंदा इस तरह और ये फंदा उल्टा, ये सीधा नीचे के होल में डाल के और ये उल्टा। और ये उल्टा, अब इस सेम रिपीट इसमें पीछे के फंदे हम उठाएंगे, आगे ले आएंगे। और ये इसी तरह फ्रेंड मैं इसमें, ये मैंने 2 सिलाई हमने पहले बना दी थी, ये तीसरी है, फिर चौथी आ जाएगी, फिर 5वीं 6वीं मैं इसी तरह बना लेती हूँ, 6 सिलाई टोटल। फिर 7वीं सिलाई में आपको जैसे हमने सिंपल ही बनाना है, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है। जैसे हमने इस बार में इसको पलटा है, तो अगली बार में हम ये 4 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, बाकी ये फंदे हमने जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है। सीधे फंदे को नीचे के होल में डाल के बनाना है, और उल्टा फंदा उल्टा बनाना है। तो इसी तरह मैं 6 सिलाई बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड, इसमें मैंने 7th रो कम्प्लीट कर दिए हैं, डिज़ाइन पूरा करने के बाद हमारे 6th रो कंप्लीट कर दिए, सॉरी ये 7th रो है। अब यहाँ से हमारा डिजाइन जो हमने यहाँ से शुरू किया था, ये वाला डिजाइन, अब ये डिजाइन हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे बनेगा। पहला फंदा उल्टा, अब ये हमारा इस बार पलटेगा भी डिजाइन, ये 2 फंदे एक उल्टा,
फिर ये सेम ही करना है, इनको जो सीधा है उसको सीधा, ये उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। ये उल्टा फंदा उल्टा, ये एक सीधा, देखिए बहन ये उल्टा बना दिया। और ये फंदा हम सीधा करके यहाँ पे दो फंदों का एक कर देंगे। ये उल्टा फंदा है यहाँ पे, तो ये उल्टा फंदा दो का एक कर, ये चार फंदे फिर से पलटते हुए सिंपल सीधे सीधे बना देने हैं। अब हमारा ये जाली जो यहाँ पे पड़ी थी वो यहाँ अब घटेगा हमारा, यहाँ पे इस साइड से घटाएंगे और जाली यहाँ पे पड़ेगी। पहले एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा लपेटते हुए ये जो दो बीच में उल्टे थे इसमें एक में जाली पड़ जाएगी। और फिर आगे ये चार फंदे इसी तरह बना लेना है। फिर ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में डाल रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पे भी डिज़ाइन आ जाएगा। जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे जाली डाली तो यहाँ पे भी जाली आ जाएगा, क्योंकि आपके इस साइड से भी फंदे कट रहे होंगे। तो इसमें मेरे इस साइड फंदे हैं नहीं, ना इस साइड हैं, तो इसलिए मेरी एक ही जाली इसमें पड़ रही बीच में। इस तरह मैंने इसमें दोबारा से आपको डिज़ाइन कैसे डलता है बता दिया है। देखिए फ्रेंड, अब बैक से तो जो फंदा जैसे दिखता है उसी तरह हमको बनाना होता है। अब फ्रंट से आपको हर बार आप यहाँ पे पहले एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उसके बाद जाली डालेंगे। जाली से बड़े हुए फंदे एक उल्टा एक सीधा करते जाना है, जैसे हमने यहाँ किया था उसी तरह एक फंदा उल्टा एक सीधा आप यहाँ पे करते जाएंगे। और यहाँ से इस कोने पर ये दो का एक यहाँ पर घटाते जाएंगे, तब तक घटाएंगे जब तक आपके ये सारे फंदे घट के यहाँ पे दो फंदे उल्टे ना बच जाए, जैसे इस साइड बचे थे यहाँ पे लास्ट में आपके दो फंदे आ जाएंगे उल्टे। तो तब तक आपको घटाते जाना है। और फिर जब आप ये सारे फंदे घटा लेंगे तो आपकी ये एक डिब्बी सी बन के आ जाएगी, ये यहाँ पे मिल जाएगा और ये एक डिब्बी बन जाएगा। और इसी तरह बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, ये पूरा जब घट जाएगा तो पूरा एक डिब्बी बन जाएगी। करना आपको सेम ही है, कुछ नहीं करना है। बाकी मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं जैसे हमने यहाँ घटाए सेम उसी तरह घटाना है। यहाँ पे दो का एक करते जाना है आपको हर बार, एक एक फंदा यहाँ पे घटाते जाएंगे और जाली से यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह आपको 24 रो में आपका पूरा डिज़ाइन फिर सेम जैसे यहाँ कंप्लीट हो गया था यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। 7th रो हमने बना दी यहाँ, 8th रो बैक साइड हो जाएगी। इसी तरह आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कैसे तरह बनाना है। ईजी है एकदम, कुछ नहीं है इसमें जो समझ में नहीं आए, बहुत ईजी डिज़ाइन है। बैक से कुछ इस तरह दिखता है ये और फ्रंट से इस तरह, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।